गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल द पहाड़ी कपल। सो आज हमारा अंडमान निकोबार का सेकंड पार्ट आ रहा है। होपफुली आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना। okay. तो चलो शुरू करते हैं। तो अंडमान निकोबार डायरीज ब्लॉग टू स्टार्ट है। अभी हम पोर्ट ब्लेयर से नील आइलैंड के लिए जा रहे हैं। हमारा क्रूज तैयार है। क्रूज में जाने के लिए हम सब तैयार हैं, सपना, मम्मी, पापा और मैं। सो गाइज, हम वेरी एक्साइटेड थे फर्स्ट टाइम क्रूज में जाने के लिए। हम सबका पहला एक्सपीरियंस था क्रूज में जाने के लिए। और आपको भी दिखाते हैं अंदर से क्रूज कैसा है। बाहर से तो बहुत सुंदर लग रहा था। सो अंदर का व्यू भी हम आपको देते हैं। पहले तो हम लेट थे, हम जल्दी जल्दी चले हुए हैं, बाकी सभी पहुँच गए हैं। इसका नाम था मैक क्रूज। यस गाइस, हमारे क्रूज का नाम मैक्रूज था। और ये अंदर का व्यू है। सारे हम क्या सब लोग ही काफ़ी एक्साइटेड थे। सब लोग आपस में पिक्चर्स क्लिक कर रहे थे, काफ़ी इंजॉय कर रहे थे सब लोग। सो पीछे पापा बैठे हुए हैं, आगे मम्मा, मैं और लक्की बैठे हुए हैं। मम्मी थोड़ा उदास है कि पापा थोड़ा दूर है। सो ये कुछ अंदर का व्यू था हमारी क्रूज का। काफ़ी बड़ी क्रूज थी ये, जो टू सेक्शन में डिवाइड थी, एक ऊपर और एक नीचे। ये ऊपर का व्यू है और आप बाहर समुंदर का व्यू देखिए। आपको दूर दूर तक कुछ नहीं दिखेगा, बस पानी ही पानी है। मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था ये और मैं बहुत एक्साइटेड थी। सो मैं लकी की थोड़ी बहुत पिक्चर्स क्लिक कर रही हूँ, पापा थोड़े बहुत अपने सेलफोन में पिक्चर्स क्लिक कर रहे हैं। पापा भी बहुत खुश थे, वो हर चीज़ को अपने फ़ोन में कैप्चर करने की कोशिश कर रहे थे। मैं पापा का पिक्चर क्लिक कर रही हूँ। हम पूरी क्रूज में यहाँ वहाँ दौड़े हुए थे, जहाँ मन कर रहा था वहीं दौड़े जा रहे थे। हर कोई इंजॉय कर रहा था क्रूज का सफर, हर कोई। इवन दो हम ही नहीं, हर कोई पिक्चर्स क्लिक कर रहा है, डांस कर रहा है, कोई म्यूजिक कोई गाना गा रहा है, पापा वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं बहुत ज्यादा। और इसमें अच्छी बात ये, रेस्टोरेंट भी अंदर ही था, काफी खाने पीने का हमने इंजॉय किया था। हाँ, ये गाइस बाहर का व्यू है, कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, बस पानी ही पानी है, शांत समुंदर। वैसे भी वर्ल्ड में सबसे अच्छा, सबसे साफ समुंदर है यहाँ का। ये मैं थोड़ा बहुत रिफ्रेशमेंट लेते हुए, क्योंकि मुझे भूख लग पड़ती है बहुत जल्दी। तो लक्की क्या लोगे आप? चाय समोसा। ओके, तो थोड़ा बहुत मैं सबके लिए रिफ्रेशमेंट ले रही हूँ क्योंकि भूख लग पड़ी है। सो मम्मी अब फाइनली खुश हैं, पापा साथ में आ गए हैं, मम्मा के चेहरे पर स्माइल आ गई है। मैं और लक्की भी बैठ गए हैं। तो गाइस, कुछ इस तरीके से क्रूज में हमारा सामान, हमारा लगेज इस तरीके से रखा होता है। और आप देख सकते हैं, हमें लग रहा है कि कितना शांति से हम चले हुए हैं, लेकिन पीछे आप देखिए कि कितना फास्ट हमारा क्रूज चला हुआ है। सो हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं। हमारी डेस्टिनेशन है द नील आइलैंड। ये बहुत ही अच्छा आइलैंड है यहाँ का, बहुत साफ सुथरा, बहुत अच्छा है। इसमें आज हम आपको पूरा एक्सप्लोर करके दिखाएंगे भी किस किस में क्या क्या मिलेगा इसमें। तो हम पहुँच गए हैं नील आइलैंड, हमारी क्रूज को साइड लगाते हुए। सो सब अपना लगेज लेते हुए, सब ने अपना लगेज ले लिया है। मम पापा ने अपना अपना ले लिया है, मैं भी अपना लगेज लेके चली हुई हूँ। अभी आगे आपको दिखाते हैं, एक्सप्लोर करते हैं द नील आइलैंड। बने रहो वीडियो में। और अगर आपने इसको चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को लाइक करना और कमेंट ज़रूर करना भी कैसा लगा ये वीडियो, और आप हमारे से और क्या एक्सपेक्ट करते हैं वो हम आपको दिखाएंगे। तो हम चले हुए हैं। ये कुछ लोग स्कूबा डाइविंग कर रहे हैं और डॉगीज जहाँ हम होते हैं वहाँ पहुँच ही जाते हैं। तो एक डॉग हमारे साथ साथ चल रहा है। और ये देखिए, वहाँ की सरकार ने हमारे लिए लिखवाया है वेलकम टू नील। तो सभी चले हुए हैं, सपना खाली चली गई बस। तो हमें अपनी ड्राइवर मिल गया है,
सो अपनी गाड़ी में हम अब बैठने जा रहे हैं। मम्मी बहुत खुश है अब, ये फाइनली जल्दी ड्राइवर मिल गया हमें। यहाँ की एक बात मुझे सबसे ज़्यादा ये अच्छी लगी कि मतलब जो भी ये कार थी यहाँ पर, जितनी भी टैक्सी वगैरह थी, बहुत ज़्यादा लग्जरी थी, एक से बढ़कर एक हम टैक्सी में बैठे हैं यहाँ पर। सो अब हम अपने होटल के लिए जा रहे हैं, सभी बहुत खुश हैं। अभी आगे चल के देखते हैं, अब ये नहीं पता होटल कैसा होगा। सो गाइज हम अपने होटल में पहुंच गए हैं, मैं थोड़ी बहुत पिक्चर्स क्लिक कर रही हूँ। ये बाहर का व्यू है, मम पापा उधर बैठे हैं रिसेप्शन पे, हमें वेलकम ड्रिंक सर्व कर रहे हैं। गर्मी लग रही है वहाँ पर। यहाँ का पूल, और ये थोड़ा बहुत हम आपको अपने रूम टूर दे रहे हैं की कोशिश कर रहे हैं। सो ये एज यूजुअल कैटल ड्रायर यहाँ पे रखा हुआ है, फ्रिज, और थोड़ा बहुत हमारा लगेज है यहाँ पर। और सामने दो चेयर्स दे रखी हैं, एक टेबल है, एक बेड है, और एक सपना है। सो कुछ हट शेप में ये बना हुआ था, काफ़ी अच्छा रूम था ये। और ये हमारा वॉशरूम है, ये भी काफ़ी अच्छा था, काफ़ी हाइजीनिक होटल था, काफ़ी अच्छा था। होटल का नाम आपको आगे दिखाते हैं होलिडे इन द बीच रिजॉर्ट। यस, सपना तैयार हो रही है क्योंकि हम अपने अगले गंतव्य की ओर प्रस्थान करेंगे थोड़ी देर में। सो गाइस हम रेडी हो रहे हैं, थोड़ा बहुत हमने रेस्ट करा और उसके बाद हम अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं। अभी मैं आपको थोड़ा बाहर का भी थोड़ा व्यू देता हूँ। ये हमारी बालकनी का व्यू है, हमारे साथ ही मम पापा का रूम था, और ये कोशिश करूँगा दिखाने की उनको भी। पहले तो पूल देखिए, ऊपर से काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है। थोड़ा बहुत मैं पिक्चर्स क्लिक करवा रही हूँ, और ये मम पापा हैं, ये मम्मी भी आए फ़ोटो खिंचवाए अपने, और अब अंदर चले जाएंगे और अब हम गोल गोल घूमेंगे। गाइस सब रेडी हो गए हैं, रूम लॉक कर दिए हैं, और अब हम निकल रहे हैं अपनी अगली डेस्टिनेशन के लिए, नील आइलैंड को एक्सप्लोर करने के लिए, लक्ष्मण टू बीच। ओके, सो लक्ष्मण टू बीच पे हम फाइनली पहुंच गए हैं, और हमें हमने गाइड कर लिया है जो हमें सारी चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पर, बिकॉज गाइड यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर चीज़ को जानने और समझने के लिए। लक्ष्मण टू बीच में ये जो पीछे ये दिखा रहा है, ये यहाँ के आदिवासी लोग खाते हैं इनको, इनका फ्रूट है यहाँ पे ये। ये जितना भी ये चिकड़ किचड़ लग रहा है, ये चिकड़ किचड़ नहीं है, ये पत्थर है, ये क्योंकि ये कोरल आइलैंड है। हाँ, बिकॉज मैं और मम्मा इसे देख के बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए थे, हमने कहा कि हम यहाँ से नहीं जाएंगे कि बहुत ज़्यादा कीचड़ है, तो उन्होंने जब हम चले तो हमें पता चला ये तो कुछ भी नहीं है, ये पत्थर ही है, ये जितने भी है सब पत्थर। सो ये गाइस वर्ल्ड फेमस नेचुरल ब्रिज, जिसके लिए नील आइलैंड फेमस है, जिसके लिए अंडमान निकोबार फेमस है, नेचुरल ब्रिज। सो मैम और पापा पिक्चर्स क्लिक करा रहे हैं, हमारे गाइड भैया बहुत अच्छे थे, उन्होंने खुद ही कैमरा मांग दिया और हमारी पिक्चर्स क्लिक कर रहे हैं, और हर चीज को वो कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। डिफरेंट काइंड्स के सी एनिमल दिखेंगे और डिफरेंट टाइप ऑफ कोरल दिखेंगे, बहुत सुंदर था ये। ये देखो कैसा केकड़ा है, हमें डरा रहा है, ये कुछ खा रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है। काफी यहाँ पे पॉइजनस सी एनिमल भी थे जिन्हें टच करना अलाउ नहीं था, जैसे कि ये है। बहुत सुंदर ये व्यू था, आप कह सकते हैं कुदरत का ओपन मतलब खुला एक्वेरियम है। ये सारे कोरल हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोरल हैं जिनके अलग अलग नाम रखे हुए हैं, हनी बी, लेडी फिंगर, अलग अलग नाम थे इनके। बहुत सुंदर था ये, पूरे वर्ल्ड में सबसे साफ समुंदर है यहाँ पे, आपको ट्रांसपेरेंट समुंदर। ये हनी बी कोरल, ये आप फिशेस देखिए, इन सब फिश में एक फिश अलग होगी, जो पैरट फिश है वो अलग से ही दिख रही है आपको, पैरट फिश जरूर दिखाएंगे अभी हम। ये पॉइजनस हैं, इन्हें भी टच नहीं कर सकते।
बने रहिए, पैरट फिश जरूर दिखेगी। दिख गई। मम्मा पापा थोड़ी बहुत पिक्चर्स क्लिक करा रहे हैं, और इधर मैं थोड़ा बहुत पोज दे रही हूँ टाइटैनिक वाले। ये सब बहुत पॉइजनस थे, इनको टच नहीं करना था, गाइड ने ऐसा बताया था। और हमारा वही फेमस पोज, गोल 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 गोल, इससे आपको जल्दी से 360 डिग्री व्यू मिल जाता है। सो गाइड भैया हमें बता रहे हैं, इन्होंने सारे हमें यहाँ के जितने भी टाइप ऑफ कोरल्स थे, सी एनिमल थे, वो दिखाने की कोशिश करी है। ये नेचुरल ब्रिज बहुत सुंदर था गाइस, बहुत ज़्यादा सुंदर। अगेन सी एनिमल टच नहीं कर सकते। ये देखो सांप, पानी का सांप। ये ओपन एक्वेरियम था, बहुत अच्छा था देखने में। देखो पानी का सांप, पैरेट फिश थी यहाँ पर। ये लेडी फिंगर कोरल, ये देखिए सीशेल्स, इसी में मोती बनता है। ये कुछ दिनों बाद खुद ही टूट के छोटा होके मोती बन जाएगा। ये आप देखना गाइस कितना बड़ा है यहाँ पर, कितने सारे ये सीशेल्स है, बहुत सुंदर व्यू था ये। काफी ये देखो, ये जो आप सोच रहे हो वो नहीं है, ये बहुत पॉइजनस चीज है, ये ऑक्टोपस टाइप। काफ़ी चीज़ें गाइस ऐसी भी थी जो हम टच कर सकते हैं, उनसे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन काफ़ी चीज़ें ऐसी थी जिन्हें हम टच नहीं कर सकते हैं। जैसे ये देखो, हमारे यहाँ बतरीड़ा बोलते हैं इसको। ये फिर वो मत सोचना जो है, ये बहुत पॉइजनस है। सो गाइस ये एक कोरल था जिसे टच करने पर ये फ्लावर बंद हो जा रहा था और थोड़ी देर में ओपन हो जा रहा था, तो भैया मुझसे ये एक्टिविटी करवा रहे हैं, मुझे काफ़ी मज़ा आता है, लेकिन लकी बहुत डर रहे थे कि मुझे कुछ हो ना जाए। सो मैं टच कर रही हूँ जिस पे मैं बैठी हुई हूँ गाइस, ये पूरा कोरल है इसके ऊपर मैं बैठी हुई हूँ। ये फिर वो मत समझना, ये पॉइजनस है। ये देखिए मैंने टच करा था, थोड़ी देर में ये ओपन हो गया। बहुत बड़ा ये एक्वेरियम था, लेकिन इसकी भी थोड़ी बहुत लिमिट है, इसके आगे हम नहीं जा सकते। जितना हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, गाइड ने हमें एक्सप्लोर करवाया, उसे आगे अलाउड नहीं है, जितना था उतना उन्होंने हमें दिखाया। तो ये एक और क्रूज आ रही है, गाइज तो हम अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं। सो अब हम ग्लास बोटिंग करने जा रहे हैं। ग्लास बोटिंग, ये नेक्स्ट डेस्टिनेशन है हमारी भरतपुर वन बीच। ओके, ये जो बीच है यहाँ पे आप जो मर्जी कर सकते हो, यहाँ पे आप नहा सकते हो, जो मर्जी करो। ये यहाँ पे रेत है, बहुत अच्छी बीच थी नहाने के लिए, इंजॉय करने के लिए। यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, ग्लास बोटिंग, स्कूबा डाइविंग। पहले हम ग्लास बोटिंग दिखाएंगे। ग्लास बोटिंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो बेस है वो सारा ग्लास का है, जिससे आप अंडरग्राउंड वाटर पूरी ढंग से देख सकते हैं। आपको यहाँ पे अलग अलग टाइप की फिशेज वगैरह दिखेंगी, जितना हमसे कैप्चर हो सकता था गाइस हमने कैप्चर करने की कोशिश करी है। अगेन पापा थोड़े बहुत पिक्चर्स क्लिक करा रहे हैं, मम्मा थोड़ा घबरा रहे थे क्योंकि इतने पानी में वो पहली बार ही जा रहे हैं, हम भी पहली बार ही जा रहे हैं, लेकिन हम एक्साइटेड ज़्यादा होते हैं। ये हमारी ग्लास बोट, आपको हम इसका जरा नीचे का नज़ारा दिखाते हैं कैसे दिखता है। सो गाइस ये थोड़ा बहुत कुछ मछलियों का झुंड इकट्ठा हुआ है, जितना हमसे कैप्चर हो सकता था हमने करने की कोशिश करी है। काफी अच्छा लग रहा था, ऐसे पूरा खुला समुंदर, जहाँ मर्जी देखो, ऊपर साइड नीचे जहाँ मर्जी मछलियाँ झुंड में चली हुई थी समुंदर के अंदर।
जो लोग स्कूबा डाइविंग नहीं कर सकते उनके लिए ये एक्सपीरियंस करना मतलब काफ़ी हद तक आप ये कर सकते हैं, क्योंकि इसके थ्रू भी आप पूरा समुंदर देख सकते हैं। बहुत सारी फिशेस थी, ये झुंडी झुंड है। हम इस टाइम समुंदर में काफ़ी आगे आगे हुए हैं, तो अब ग्लास बोट का एक्सपीरियंस ख़त्म करते हैं। हम आपको वापस लेके चलेंगे थोड़ी देर में, आपको दिखाते हैं कि वापसी में कैसा लगता है। ये देखिए, तो गाइज हम अब वापस आ रहे हैं ग्लास बोटिंग करके। तो अब हम अपनी बोट से नीचे उतर रहे हैं। अगेन लकी का 360 व्यू। सो गाइस, ग्लास बोटिंग के बाद मैंने डिसाइड करा कि मैंने जेट स्काई करनी है। सो ये मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था, काफी डर लग रहा था लेकिन मैं करना चाहती थी। तो और वो लड़का सपना को लेके भाग गया। भाग गया और लकी बहुत खुश हो गए। तो गाइस जेट करके मुझे काफी मजा आया। लकी आपको कैसा लगा? बहुत मजा आया। अच्छा, तो आपने खुद ने क्यों नहीं करा? तो गाइस ये आप पिलर देख सकते हैं, इसके आगे हम नहीं जा सकते हैं। इसी की इर्द-गिर्द ही सारी एक्टिविटीज होती हैं, इसके आगे हम नहीं जा सकते हैं, चाहे बोटिंग हो, स्कूबा डाइविंग हो या जेट स्काई है। इसका कलर भी अलग है, डार्क ब्लू और पीछे ग्रीन टाइप है, तो मतलब गवर्नमेंट ने यहीं तक अलाउ किया हुआ है एक्टिविटीज के लिए। सो मैं वापस आ रही हूँ। काफी स्टंट करवाए थे भैया ने मुझसे यहाँ पर, फिर भी इसको पानी में नहीं फेंका। मुझे ये सारी एक्टिविटीज करने में काफ़ी मज़ा आता है। मैं स्कूबा डाइविंग भी करना चाहती थी लेकिन लकी बहुत ज़्यादा घबरा रहे थे कि नहीं नहीं नहीं, तो उन्होंने मुझे नहीं जाने दिया। ये बहुत मज़ा आया। तो थोड़ी बहुत मैं पिक्चर्स क्लिक करा लेती हूँ। आँखों में इतना ज़्यादा जलन हो रही थी क्योंकि सी वाटर इतना ज़्यादा सॉल्टी था कि आँखों में जाके जलन होती है। तो थोड़ी बहुत हम पिक्चर्स क्लिक करा रहे हैं। अगेन हमारा गोल 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 पोज। मम्मी पापा हमारा वेट कर रहे हैं नीचे। मम्मी बहुत घबरा गई थी कि पता नहीं सपना कहाँ चली गई। तो मम्मी तो यहाँ पे सीशेल इकट्ठा कर रही थी। सो जब मम्मी ने सीशेल इकट्ठे करे तो उनके हाथ में खुजली होने लगी, तब उन्हें पता चला कि अंदर से कुछ आ रहा है। सो मम्मी ने सारे सीशेल फेंक दिए थे। हमें नहीं पता था कि इसके अंदर भी कुछ रहता है, हमने सोचा वैसे ही होता होगा। सो थोड़ा बहुत मस्ती के बाद भूख तो बनती है, थोड़ी बहुत शॉपिंग तो बनती है। तो मम्मी पापा यहाँ पर कुछ खा रही हैं स्नैक्स और मैं थोड़ी बहुत शॉपिंग कर रही हूँ। नारियल पानी, सो हम जहाँ हों और डॉगी वहाँ ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। सो हम यहाँ के डॉगीज काफ़ी फ्रेंडली थे गाइज, हम जिस भी बीच पे जाते थे डॉगीज हमारे पास आते थे और इतने ज़्यादा फ्रेंडली डॉगीज मैंने कहीं पे भी नहीं देखे हैं। और मम्मी पापा यहाँ पे थोड़ा बहुत पिक्चर्स क्लिक करवा रहे हैं, यहाँ पे जितने भी सी एनिमल हैं, जितनी भी चीज़ें हैं उसको दिखाया गया है। सीशेल्स, सो मम्मी पापा की और अगेन पिक्चर्स बाहर आए हैं और कैप में फोटो ना हो ऐसा हो नहीं सकता। अगेन सम पिक्चर्स, मम्मा की पिक्चर्स, पापा की और पिक्चर्स, ये पापा का रॉबिन हुड पोज।
गाइस मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाऊंगा। यहाँ पे देखिए, एक बोट इस साइड से आ रही है, एक क्रूज दूसरी साइड से आ रही है, दोनों सामने टकराएंगे, देखना। वो देखो, वाओ, पैथेटिक जोक लगेगा। सो दोनों क्रूज आपस में क्रॉस करते हुए, और यहाँ अगेन पिक्चर्स। काफ़ी देर तक हमने यहाँ पे मस्ती करी थी। बीच बहुत ही सुंदर थी और बहुत क्राउड था, काफी लोग एंजॉय कर रहे थे यहाँ पर। मुझे अंडमान की बीचेस काफी अच्छी लगी, बहुत ज्यादा अच्छी, साफ सुथरी हैं, लेकिन क्रूज के साथ एक अलग ही एक्सपीरियंस रहा हमारा। तो गाइस, मैं थोड़ा बहुत मस्ती करते हुए, क्योंकि मुझे पानी में मस्ती करना काफी मजा आता है। अगेन सास बहू की संपर्क। अब मैं आपको लेके जाऊंगा इससे अगली बीच पे, इसको बोलते हैं सीतापुर बीच। ये फेमस है अपने सनसेट के लिए। सो गाइस, तो मैं आपको अभी दिखाएंगे हम सनसेट कैसे होता है यहाँ पे। बहुत ही ब्यूटीफुल नजारा देखिए, बनी रही। गाइज, ये हम शाम को बीच के बाद हम अगेन नेक्स्ट बीच पर आए अपना सनसेट देखने के लिए, और अगेन हमारे पास डॉगी एज यूजुअल। और सनसेट यहाँ पे बहुत सुंदर था, बहुत सुंदर सनसेट था। बहुत लोग उसे कैप्चर कर रहे हैं। मम्मी और मुझे बहुत प्यास लग रही है, हम नारियल पानी पी रहे हैं। अगेन हमारे पास डॉगीज हैं, कितना खूबसूरत लग रहा है। सूरज दिख रहा है, देखो देखो दिख रहा है, और ये डूबता हुआ सूरज, बहुत ही सुंदर नजारा था ये। धीरे 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 सनसेट होता हुआ, काफी दूर सनसेट होता हुआ। काफी लोग सनसेट देखते हैं और मम्मी पापा नारियल का एंजॉय करते हुए। सो गाइस, सनसेट हो चुका है और हम बीच पे थोड़ा बहुत रिलैक्स कर रहे हैं। तो नील आइलैंड पे हमारा ये सेकंड डे था, हमने काफी एंजॉय करा। नारियल से दो पानी पीते हुए। ओके, बहुत प्यार है, खुश होते हुए बीड़ी लगा के। मम्मी पापा के बीच में बहुत प्यार है, वो दिख रहा है। और आज का सेकंड डे हमारा काफ़ी अच्छा गया, हमने बीचेस पे बहुत मज़ा करा। कोरल बीच का एक अलग ही एक्सपीरियंस था, और अगेन काफ़ी एक्टिविटीज़ हमने नेक्स्ट बीच पे करी, और यहाँ पे सनसेट देखा, तो आज का दिन तो हमारा बहुत अच्छा बना। अब मॉर्निंग नेक्स्ट डे, जिस दिन हमने नील आइलैंड छोड़ना था, तो कुछ पिक्चर्स क्लिक कराते हुए अपने हॉलीडे इन बीच के बाहर, ये कुछ ऐसा था हमारा होटल, दोनों साइड यही था नील आइलैंड में। आपको इन सभी बीचेस के हमने दर्शन करवाए। अब हम अपने नेक्स्ट गंतव्य की ओर प्रस्थान करेंगे। पापा अपना सामान अपने पास रखते हैं, मम्मी दो दो नारियल लेके चलते हुए, हम वेट कर रहे हैं यहाँ पे नेक्स्ट डे अपने क्रूज का, जो कि कहीं और लेके जाएगा। वो हम आप वीडियो में बने रहें, आपको जरूर पता लगेगा हम कहाँ जाएंगे अभी इसके बाद, क्योंकि नील का सफर हमारा यहीं पे समाप्त होता है। So, मुझे नारियल पानी मिल गया है, मैं ले आई हूँ, और हम अपने क्रूज का वेट कर रहे हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे जाने के लिए। ये कितना प्यारा वेटिंग लॉन्च, देखो कितना प्यारा बनाया हुआ है यहाँ पे। So, ये दो चिड़िया आपस में, तो टू बी कंटिन्यू, नेक्स्ट व्लॉग जरूर देखना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। सो गाइस, ये था हमारा अंडमान निकोबार का पार्ट 2, होपफुली आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज क्या करना है लक्की, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, लाइक करना, कमेंट करना, और अभी बस अगले संडे से पहले या संडे तक इसका थर्ड पार्ट भी आपके पास आएगा। पहले पार्ट को बहुत सारा आपने प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।